अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज डॉक्टर अली साजिद मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फोर्टी थर्ड सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं अगर आप रिकॉल करें कि हमने लास्ट सेटिंग में पिछली नशित में बात की थी लीडरशिप की क्या अहमियत है प्रोजेक्ट की कामयाबी की उसमें हमने लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में लीडरशिप को डिफाइन किया उसकी थ्यूरीज देखी लीडर्स के ट्रेड देखे उसका रोल देखा और हमने काफी जोर दिया ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप पे क्रिजमेटिक लीडरशिप के स्टाइल पे और एथिकल क्रिजमेटिक लीडरशिप और अनएथिकल क्रिजमेटिक लीडरशिप हमने उनके दरम्यान बाहमी तफावत को वाजे किया और इस बात को हम ग्रेजुअली कंक्लूड कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सक्सेस में जहाँ पे टेक्निकल इश्यूज की अहमियत है जहाँ पे कॉस्टिंग की अहमियत है जहाँ पे क्वालिटी की अहमियत है कस्टमर सेटिसफेक्शन को हम इग्नोर नहीं कर सकते वहाँ पे लीडरशिप रोल एक बड़ा मरकजी उसकी हैसियत है और यह हैसियत दुनिया में बिलखसूस डिवेल्प कंट्रीज में मुसलम हो चुकी है डेवलपिंग कंट्रीज में अनफॉर्चुनेटली तालीम की कमी के से, की वजह से एक्सपोजर की वजह के कम होने की वजह से लीडरशिप ईशूज पे फॉर सम रीज़न इतना जोर नहीं है लेकिन खुश आइन पहलू यह है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो अच्छी कंपनीज हैं सॉफ्ट इश्यूज जिसमें लीडरशिप है जिस मोटिवेशन है क्वालिटी है और इससे मुतलका जो चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की टीम बिल्डिंग की उस पर काफी जोर दे रहे हैं और इसकी वजह से आपको अपने मेजर ऑब्जेक्टिव या मरकजी जो मकासद हैं उसके हसूल में कम से कम दुशारी होती है मुझे यकीन है कि अगर आप पिछले लेक्चर को पिछली नश्त को जो लीडरशिप के कॉन्टेक्स में दिया गया था बतौर ख़ास उसको दोबारा देखें तो आपको कई नई चीज़ें मिलेंगी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की रवायती किताबों में या रवायती टैक्स पर नहीं मिलती मैंने उसमें यह बात वाजे करने की कोशिश की थी कि एज़ ए प्रोजेक्ट लीडर अगर आप डर कर इस्तवार करें अपनी टीम के साथ और उनके पर्सनल इशूज़ को भी इसी तरह लुकआफ्टर करें जिस तरह के टेक्निकल या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इशूज़ हैं तो एक नई क्वेजन कायम होती है जिस क्विजन के जो मसावत के आखिर पे जो अंजाम है उसका नाम है कामयाबी उसका नाम है सक्सेस एंड दैट इज थ्रू इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल एंड टीम प्लेयर्स आज की नशिज जो है फोर्टी थर्ड सेक्शन जो है हम प्रोजेक्ट के अंदर कम्युनिकेशन की अहमियत को उसकी माहियत को बतौर खास देखेंगे और उसके मंजमला इस्लूब पे रोशनी डालते हुए इस बात को वाजे करने की कोशिश करेंगे कि प्रोजेक्ट की कामयाबी जहां दीगर उसमें अवामिल हैं जहां पे अदर फैक्टर्स हैं वहां पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है आज के नशिस्त में हम कम्युनिकेशन को डिफाइन करेंगे मैनेजरल फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन है जो पहले लेक्चर के तनाजुर में मैंने आपसे जिक्र किया था आज उसको उसे कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कम्युनिकेशन की टाइप्स उसके प्रोसेसिस कम्युनिकेशन ऑडिट क्या चीज है कम्युनिकेशन की कॉस्ट क्या है इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के तरीके क्या है बैरियर्स क्या है और कम्युनिकेशन को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तनाजुर में कैसे देखा जा सकता है अगेन कोट एंड कोट विद स्पेशल फोकस टू अचीव सक्सेस यूजिंग कम्युनिकेशन एज ए टूल टू एनहांस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम उसके साथ साथ जहां पे बैरियर्स पे बात करेंगे वहां हम उसके खवास और करेक्टरिस्टिक्स पे भी रोशन डालेंगे कि किन अवामिल किन की वजह से किन अनासर की मौजूदगी में आप कम्युनिकेशन को ज्यादा इफेक्टिव ज्यादा मौसर और ज्यादा देर बना सकते हैं ये सारी बातें होंगी आज के नशस्त में आज मुझे कुछ ऐसी कोटेशन आपकी खिदमत पेश करने का मौका मिल रहा है जो कम्युनिकेशन के तनाजर में है तो मैं आज की पहली कोटेशन आपको पहले एटीट्यूड के बैकग्राउंड में दूंगा रवैये के हवाले से और फिर बाकी गुफ्तगु हम कम्यूनिकेशन के तनाजर में करेंगे पहली कोटेशन या आवाज इखलाक जो आप देख रहे हैं ये कहता है कि जी एटी परसेंट ऑफ सक्सेस इज रिलेटेड टू कॉम्पिटेंसी आपकी जो टेक्निकल परफॉर्मेंस है वो भले बहुत अच्छी हो हमें उस पर कोई इतराज नहीं है लेकिन अगर रवैया मुस्बत नहीं है तो बात नहीं बनती तो वो गालिब ने कहा था ना कि हर चंद कहें कि है नहीं है तो यहां पर रवैये की एक बहुत बड़ी अहमियत है और तीसरी दुनिया में अनफॉर्चुनेटली रवैयों को आ, समझना उसका इतराक करना और उसके असरात का इम्पैक्ट का प्रोजेक्ट पर जायजा लेने की कोई शौरिया वाज सही हमें ज्यादा नजर नहीं आती लेकिन वेस्ट ने इस पे काफी एक्सपेरिमेंट किए प्रोजेक्ट के टीम प्लेयर्स के बिहेवियर्स पे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के बिहेवियर पे बड़ी अच्छी स्टडीज हुई और आ, इस हद तक आ, एक किसी चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर साउथ वेस्ट कंपनी के चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर ने एक दफा कहा कि मैं अपने वर्कर को स्किल की बेस पे नहीं रवैये की बेस पे चुनता हूं स्किल तो बाद में ऐड हो जाता है रवैया बाद में चेंज करना बड़ा मुश्किल ये स्टेटमेंट है साउथ वेस्ट एयरलाइन जो कि इस वक्त अमेरिका की टॉप एयरलाइंस में है और उस तनाजुर में जबकि बाकी कंपनियां ऑटो बिजनेस हो रही है या बैंक से फाइल कर रही है खबीन मार्टिन लूथर जो था किंग उसकी एक स्टेटमेंट है आप पर्दे पे देख रहे हैं पर्दा पे यू आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू से बट ऑल्सो फॉर व्हाट यू डू नॉट से आप सिर्फ इसी बात के जिम्मेदार नहीं कि आपने क्या कहा है बल्कि आपने बर वक्त आपकी खामोशी आप उस वक्त उसकी भी जिम्मेदार है ये मार्टिन की बड़ी मानी खेस स्टेटमेंट है डॉक्टर लूथर किंग सिविल लिबर्टी राइट्स के अलंबरदार 1960 की दिहाई में अमेरिका में इन्होंने ब्लैक अमेरिकन के लिए बड़ी स्ट्रगल की और कम्युनिकेशन स्टेटमेंट मैंने आपके सामने पेश की है ग्रेट स्पीकर्स आर आर नॉट बोर्न दे स्पीकर डेल कार्नेगी ने कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत रिसर्च की और डेल कार्निगी इंस्टीट्यूट इसका बाकायदा अमेरिका में इंस्टीट्यूट है जिसने कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस इधारों की अफादियत बढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल होती है उस की। इसी कार्गी की दूसरी स्टेटमेंट है काइंड वर्ड यू से टूडे बट द रेसिप मेड चैरिश दे आप किसी के साथ भलाई के अल्फाज खुश अखलाकी से बात करते हैं आप भूल जाएंगे लेकिन जिससे आप खुश अखलाकी बरतेंगे वो जिंदगी भर आपके सानमंद रहेगा और आपको याद रखेगा अगली स्टेटमेंट देखें जी सिंगल कन्वर्सेशन विद वाइज मैन इज बेटर देन ऑफ स्टडी ये चाइनीज प्रवर्ब है एक चीनी कहावत है चीनी मुहावरा है जिसका तर्जमा आप समझ रहे हैं कि अगर आप किसी दाना शख्स की सोबत में उसे गुफ्तू कर सकें या उसे हम कलामी का आपको एजाज हो वो दस साल के तालीमी तजर्बे से ज्यादा है ये चीनी कहावत है और चीनी कहावतों में आपने देखा है बहुत वजन होता है इसमें बहुत डेप्थ होती है अगली स्टेटमेंट हमें मिल रही है कम्युनिकेशन स्किल पे दैट कम्युनिकेशन स्किल्स आर द लाइफ ब्लड ऑफ ए सक्सेसफुल लाइफ इफ यू प्लान ऑन स्पेंडिंग एनी टाइम देयर अगर आप टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार हैं उस पर तो कम्युनिकेशन इज रियली ऑल एनी वन एवर गेट्स पेड फॉर अल्टीमेटली एंड इफ यू कैन नॉट इफेक्टिवली कम्युनिकेट यू विल पे नॉट गेट पेड आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी कि आपने उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं की मदर ट्रीसा द फेमस ग्लोबल प्राइज विनर जिनकी जो इन्होंने इंसानियत की बड़ी खिदमत की उनकी हम अजमत को सलाम भी करते हैं उनका बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है काइंड वर्ड्स कैन बी शॉर्ट एंड ईजी टू स्पीक बट देयर एकोज आर ट्रूली एंडलेस ऑफ ऑल द थिंग्स यू वेयर योर एक्सप्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी स्टेटमेंट है कि आपने अपने पे जो पहनावा रखा है उसमें सबसे अच्छी आपकी हुसन अदायगी अल्फाज की और आपके पैगाम की तो खुदी ये कुछ स्टेटमेंट्स हमने देखी जो कि कम्युनिकेशन के, के तनाजुर में दुनिया के बड़े बड़े दानश्वरों ने की और अच्छी कौमों की प्रवर्स मैंने आपके सामने रखे हम कोर्स सिलसिला कलाम को जारी रखेंगे लेकिन ये आप देखेंगे दुनिया में जितने बड़े बड़े मिलिट्री कमांडर्स हैं जितने जितने बड़े दानश्वर और पॉलिटिशियंस हैं उन सब के पीछे एक चीज आपको नजर आती है कि दे आर गुड कम्युनिकेटर्स फेमस स्पीच जो तारिक बिन ने स्पेन की फता पे की की से पहले की। और उसके बाद मार्टिन लूथर किंग की फेमस स्पीच जिसने अमेरिका में एक फिक्र इनकलाब को बर्पा किया आई ए ड्रीम लाइक वाइज अमा इकबाल की फेमस स्पीच 1930 के खुतबा इलाहाबाद में और रादादे पाकिस्तान के बाद और पाकिस्तान के में और उन्नीस सौ सैतालीस में पहली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में मोहम्मद आजम की स्पीच सब अच्छी कम्युनिकेशन की जिंदा मिसाल है आपको इब्राहिम लिंकन की बड़ी अच्छी स्पीचेस मिल जाती हैं इसके अलावा और बाकी अच्छे स्कॉलर्स भी अपने अपने फन का जादू जगाते रहे हैं कम्युनिकेशन के हवाले से तो जिस प्रोजेक्ट में आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन है आप अपने अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल से अपनी टीम को बेदार रखते हैं जिंदा रखते हैं उनको प्रोजेक्ट रखते हैं एंड अब वर्ल्ड मोटिवेट करते हैं तो हम ये भी देखते हैं लीडरशिप की बुनियादी ट्रेट है जो बुनियादी खासियत है वो अच्छा कम्युनिकेटर होना भी है तो किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लीडर के तौर पर आपको ये बात जहन में रखनी पड़ेगी कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना पड़ेगा और रिवायती कम्युनिकेशन स्किल की जो डेफिनेशन है आज उससे हम गुरेज करेंगे और नई डायमेंशन को नए पैराडाइम को दरियाफ्त करने की कोशिश करेंगे सो हजरात हम कम्युनिकेशन की पहली बाकायदा डेफिनेशन को देखते हैं जेरे बहस लाते हैं वो बुनियादी तौर पर कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है इन विच वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन ट्रांसमिट सम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू तो अदर पर्सन और ग्रुप ये बुनियादी डेफिनेशन है कॉमन सेंस है कि एक शख्स यह अदारा अपने अफकार नजरियात या रिक्वायरमेंट को आइडियाज को दूसरे तक करने करता है कि आपने करना क्या है और कैसे करना है क्यों कर ये इन्फॉर्मेशन जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तनाजु तो में आती है तो प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन प्लानिंग आ जाती है या प्रोजेक्ट इफॉर्मेशन के प्रोसेस हो जाते हैं इसमें या कम्युनिकेशन प्रोसेस हो जाते हैं जिसको थोड़ा सा आज हम देखेंगे सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन फिर क्या हो गई मोसर आपके पास सराय अबलाग क्या हो सकते हैं त्रिया अबलाग या तरिकाकार आपके पास बुनियादी तौर पर एक प्रोसेस हो है जिसमें आप मैसेज को सेंड करते हैं इन सच ए दैट मैसेज रिसीव दिस एज एज क्लोज इन मीनिंग पॉसिबल टू मैसेज इंटेंडेड आपने अपने जिस मकसद के लिए मैसेज भेजा था रेसिपियंट या रिसीव करने वाला शख्स उसको उसी तनाजुर में उसी मानों के साथ समझ रहा है उसी वैया उससे नजदीक नहीं समझ रहा है ये है इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता ही है कि आपने मैसेज भेज दिया किसी ने और सब कुछ समझा तो so, कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए अफादियत में बेहतरी ऐड करने के लिए अमर जरूरी है कि हम जो पैगाम सेंटर के जहन में है वही रेसपीएड के जहन में हो और दरमियान में डिस्ट्रॉशन मिनिमाइज हो सो so, कम्युनिकेशन फिर एक प्रोसेस हो गया थ्रू विच प्रोजेक्ट मैनेजर्स कोऑर्डिनेट लीड एंड इन्फ्लुएंस देयर टीम मेंस वेरियस टीय वेरियस फील्ड वेरियस डिपार्टमेंट्स मार्केटिंग से लेकर प्रिक्योरमेंट तक एग्जीक्यूशन से लेकर टर्मिनेशन तक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो अफेक्टिवनेस है वो सर्टेन होती है खबर उसके जो मेजर आपके बज़रिया है वो है so, कि ये एबिलिटी है कम्युनिकेशन की और उसकी हफादत बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर के जो बुनियादी जो है जिम्मेदारियां उसमें सबसे मुश्किल तरीन और मोस्ट क्रिटिकल चीज ये है कि प्रोजेक्ट सक्सेस के लिए कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हों और लोग उसके मैसेज को समझ पाए सो कम्युनिकेशन कैन स्किल्स वी कंक्लूड दैट दैट दे कैन ब्रेक एंड मेक दैरियर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर का जो कैरियर जो है वो स्टेक पे होता है पूरे मैनेजमेंट के साथ साथ पूरे कम्युनिकेशन स्किल्स से काम अच्छा हो रहा है और इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं हो रहा तो टॉप ब्लासेस को स्पॉन्सर को नहीं बचाता क्या स्वास्थ्य सो यू नीड टू बी एबल

आपके पास हजरात फिर कम्युनिकेशन में क्या चीज शामिल है आप सुन के हैरान होंगे कि रीडिंग भी इसमें इसमें शामिल शामिल है है लिसनिंग भी मैनेजिंग एंड इंटरप्रटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी शामिल है कि आपने इंफॉर्मेशन ली और उसकी तोजह और तशरी सही तकनीकी एतबार से और फनी हवालों से प्रोजेक्ट के तनाजर में की उसके अलावा अपने क्लाइंट्स को सर्व करना उनको इफेक्टिवली जवाब देना और उनकी तसली और तशफी करना थ्रू ई मेल्स थ्रू टेलीफोन थ्रू पर्सनल में आती है कम्युनिकेशन में तहरीरी चीजों का भी अहाता होता है और उसमें तक मुकाबला भी होता है कि आप कितना इफेक्टिवली अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं और उसके साथ साथ आपके बॉडी लैंग्वेज या सिम्बोलिक जस्टिस की बड़ी अहमियत है, है स्माइल देना हक करना गले मिलना मुसाफा करना मुआनका करना स्माइल देना ये सारे सिंबॉलिक हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे आपको जहन में रखने पड़ेंगे अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए तो हम देखते हैं फिर खबातीन जुरात कि क्या रोल है कम्युनिकेशन का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सो कम्युनिकेशन बुनियादी तौर पर रिलेट होती है डायरेक्टली मैनेजमेंट के फंक्शन से जिसको हमने पहले एक दो लेक्चर में डिस्कस किया मैनेजमेंट के फंक्शन में डेलीगेशन शामिल है कोर्डिनेशन शामिल है ऑर्गोनेशन चेंज है और डेवलपमेंट है सबसे रहा है और सबका वजूद बुनियादी तौर पर मुमकिन है खातन जरात एक चीज की वजह से और वह है कम्युनिकेशन आप देखिए नेचर ने भी अपने चेंज एजेंट को जब चौदह सौ साल पहले भेजा तो उसको वाजह तौर पर क्या दिया कि चादर में लिपटे हुए खड़े हो, हो जाए और कह तो दिया जिसका तुझे हुक्म दिया गया जिनाबिर आपको अल्लाह तला ने हुक्म दिया ये मैं तर्जमा आपकी खदमत पेश कर रहा हूं उसका मफहूम तो नेचर ने भी अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करने के लिए अपने मैसेजर्स भेजे जिनको प्यांबर या पैगम्बर का रुतबे से सरफराज किया उन्होंने तो अल्लाह तला भी अपनी कलाम पाक में गाहे गाये कुल की बात कर रहे कहो और कम्युनिकेट करो सो so, हम देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन एक असेंशियल टूल है उन लोगों के लिए जो कि अपनी दुनिया से और अपनी टीम से और प्रोजेक्ट से इन टच रहना चाहते हैं सो so, हम देखते हैं अगली डेफिनेशन खबाते हैं जो नेक्स्ट डेफिनेशन मेरे पास क्या है कि कम्युनिकेशन इज प्रोसेस बाई विच थिंग्स गेट डन इन प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन

रूह और स्पिरिट से आ गई हो ना के अल्फाज की तकरार की या दिहां या यकीन दिहाने सो कम्युनिकेशन अब खातन जरूरत हम देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्टेस्ट में क्या है प्रोजेक्ट की जो लाइफ ब्लड है उसका खून जो है वो बुनियादी तौर पर प्रोजेक्ट के अंदर कम्युनिकेशन का मरहुन मन्नत है प्रोजेक्ट मैनेजर टिपिकली काफी टाइम खर्च जया करते हैं ज़्यादा तो करना मुनासिब नहीं इस पर सर्व करते हैं अपनी कम्युनिकेशन पे इससे के साथ साथ वो प्लानिंग भी कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहे हैं प्रॉब्लम फिक्सिंग भी कर रहे हैं प्रोजेक्ट डूइंग भी कर रहे हैं लेकिन बदकिस्मती से वो कम्युनिकेशन पे इतना टाइम सर्फ नहीं करते जो कि उसका हक है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इन एडिक हो जाती है और पूर्व क्वालिटी ऑफ रिजल्ट नजर आने शुरू हो जाते हैं और प्रोजेक्ट एक डायरेक्शन सीमित इख्तियार कर जाता है एक डगर पर सवार हो जाता है और एक डायमेंशन उसकी यूनि डायरेक्शन हो जाती है जो कि इतना कोई मुस्तुन इकदम नहीं है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए सो so, खातीजरा प्रोजेक्ट में दो चीजें जो है असेंशियल इन्ग्रीडियंट है पहला है अफराध यानी ह्यूमन रिसोर्स दूसरा है इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज विदाउट पीपल वी कैन नॉट डू एनी थिंग एंड विदाउट कम्युनिकेशन नो बॉडी नोज वॉट टू डू वेंट टू डू हाउ टू डू एंड वेड टू डू इन सब जुजियात की तशरी जो है कम्युनिकेशन के जरिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर होती है कम्युनिकेशन so एक इंजन ऑयल की तरह है कि अगर वो टाइमली आप उसको रिप्लेस ना करें और पुराने इंजन इंजन में पुराने तेल को रखें और बार बार उसको रिसाइकिल ना करें तो इंजन की उम्र कम हो जाती है इसी तरह प्रोजेक्ट में भी अगर आप बार बार कम्युनिकेट ना करें और आइडिया को रिसाइकिल ना करते रहें साथ साथ तो प्रोजेक्ट की अफादियत पे मनफी असरा मरतब होने का अंदेशा है और अगर आपका इंजन ऑयल बहुत थोड़ा हो या थिन हो जाए तो तब भी इंजन सीज हो जाता है तो और बहुत थिक हो और बहुत ज्यादा हो तो तब भी इंजन जो है जैम हो जाता है तो आपको थोड़ा एक बैलेंस रखना पड़ता है ना आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड करें और ना ही आप इंफॉर्मेशन की कमी रखें लेडीज एंड जेंटलमैन इफ यू रिकॉल वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स वी हैव डिफाइंड द फोर मैनेजर फंक्शंस दैट इज प्लानिंग लीडिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग

और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी लिंक कर रहा है कस्टमर के साथ लिंक कर रहा है सप्लायर के साथ स्टॉक होल्डर के साथ गवर्नमेंट के साथ कम्युनिटी के साथ और बाकी लोग जो प्लेयर्स हैं उन सब के साथ लिंक कर रहा है तो आप देख रहे हैं कि पर्पज एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इन प्रोजेक्ट्स जो है वो बड़ा एक यूनिक है और बड़ा मुसलिम है और बड़ा इसकी अपनी अहमियत है और जैसे ही इस अहमियत को हम इग्नोर करते हैं तो प्रोजेक्ट के मुख्तु हिस्सों के बामी रे मफकूद हो जाते हैं नंबर वन और उनमें जो रवाबत की अदम मौजूद की वजह से झटके आने शुरू हो जाते हैं और लोग आइसोलेशन में काम करना शुरू और हर कोई अपनी ज़ात के मरकज में घुस जाता है और चीज़ें क्लियर नहीं होती और लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से क्या और कंफ्यूजन फैल जाता है प्रोजेक्ट के अंदर तो ये मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ कि एफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है प्रोजेक्ट के तारपों को बहमी तौर पर मरबूत करने के लिए एक बड़ा मौसर टूल और डेवलपिंग नेशंस में पाकिस्तानी जैसे मुल्कों में इनकी अहमियत को इतना मुसलम नहीं किया जाता इसकी नस्बत सीमेंट बजरी या आ, आ, स्टील की रॉड्स पे ज़्यादा जोर है आ, बंदों की गिनती पे ज़्यादा जोर है लेकिन कम्युनिकेशन की इफेक्टिव इफेक्टिवनेस पे इतना जोर नहीं है और जैसे मैंने कहा कि आप जिसको जितना इफेक्टिव बनाएंगे आपके लॉसेस कम होने के चांसेस उतने ही बढ़ेंगे तो अगली जो चीज मैं देखना चाहूंगा आपकी खिदमत में यह लाना चाहूंगा वो है कि क्या मैनेजर फंक्शन है कम्युनिकेशन के, के पहला फंक्शन है हमारे पास यू नीड टू तो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रेलवे इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं कई सोर्सेज से लोगों से गुफ्तु करते हैं लोगों से फोन पे बात करते हैं ऑफिस मेमो आते हैं इंटरनल मेमो इंटरनल खत आते हैं आपके पास इंटरनल आपके पास जो लेटर्स आते हैं रिपोर्ट्स आती हैं उनसे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और डेटाबेस बेस और इंटरनेट से भी आप कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं और दूसरा जो काम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर मैनेजरियल फंक्शन के के तनाजर तो, में वो आपकी जिम्मेदारी है कि आपने ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी है कन्वे कर दी और अपने अपने फैसले उस कन्विक्शन के साथ कन्वे किए जो कि आपको मालूम मिली पहली स्टेज पे तो आप स्पीच के जरिए अपना मुद्दा मतम नजर और अपना मुद्दा जो है बयान करते हैं आप प्रेस रिलीज देते हैं अगर कोई प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है उससे कम्युनिटी मुतासर हो रही है तो प्रेस रिलीज के जरिए आप क्लेरिफाई करते हैं आप वीडियोस देते हैं अपने बायर्स को सप्लायर्स को स्टेक होल्डर्स को कि प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन में कोई खतरनाक या नाजुक चीज है तो वीडियो के उसकी एक्सप्लेन कर देते हैं इंटरनल एक्सटर्नल मेमोज लेटर्स हैं ये सब चीजें हैं जो आपके आइडियाज को कन्वे करती हैं प्रोजेक्ट के तनाजर में तीसरी जो चीज है मैनेजर फंक्शन में प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी वो है आप कम्युनिकेशन इस को इस्तेमाल करते हैं इंटरपर्सनल यूनिटी को एनहांस करने के लिए भावी मोहब्बत खुवत और जगानत बढ़ती है कम्युनिकेशन के लिए हजरत अली कॉल है कि कलाम करो ताकि पहचाने जाओ इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजर की भी जिम्मेदारी है कि वो गाहे गाहे अपनी टीम के साथ हम कलाम होता रहे ताकि टीम के साथ एक आइसोलेशन का एक सेंस ऑफ डिफरेंस का एक जो है वो बुत टूटे और अपनाइय का अपनाइयत में इजाफा हो तो आप मोटिवेट करते हैं स्पीचेज के जरिए आप मुझसे बहुमी गुफ्तू करते हैं लंच पे डिनर पे मुख्य सेरेमनीज करते हैं कि प्रोजेक्ट का पहला फेज खत्म हो गया लेट्स फॉर दैट एंड सेलिब्रेट दैट फर्स्ट फेज कंप्लीशन इन ए सक्सेसफुल मैनर देन यू कम्युनिकेट वाइल वॉकिंग अराउंड तो आप जब भी अपनी टीम प्लेयर से लोएस्ट पॉसिबिलिटी बात करते हैं उसमें एक अपनाइत का जज्बा आता है एक मोहब्बत का जज्बा आता है और ख्याल आता है और उस जज्बे से उनका खून गर्म होता है उनमें तोनाई आती है और उनके अंदर एक सेल्फ इंड्यूस मोटिवेशन पैदा होता है कि बिग बॉस भी हमारे से बात कर रहा है हम कोई आइसोलेटेड अकाई नहीं है एक कंप्यूटर के अंदर बल्कि हमारे वजूद की हैसी को तस्लीम किया गया है इस मौके पर लामा इकबाल ने इसी बात को एक शेयर में कहा था कि गरमाओ गुलामों का लहू याकीन से गरमाओ गुलामों का लहू यकीन से कुजिश के फरो माया को शाही से लड़ा दो ये वो स्टेज है कि जब आपका ऑर्डनरी वर्कर इतनी एनर्जी ले लेता है आपकी कम्युनिकेशन से इफेक्टिव कम्युनिकेशन से इतनी तोनाई उसमें ट्रांसफर हो जाती है कि वो अपने आप को इदारे या प्रोजेक्ट के अंदर फना कर देता है या वजूद को जम कर देता है और ये फना करने का जज्बा और वजूद को डूब जाने का जज्बा ये मरुन मिन्नत है अच्छी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की के वजह से मैं अगली स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं खाती नजरियात एफेक्टिव कम्युनिकेशन जो प्रोजेक्ट गोल्स है उसको हासिल करने के लिए क्या स्टेप्स हैं आप कम्युनिकेशन के इस स्लाइड्स को देखें इसमें टॉप पे आपको प्रोजेक्ट गोल नजर आ रहे हैं वहां से आप कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑब्जेक्टिव का तयन करते हैं कम्युनिकेशन पॉलिसीज बनती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर कम्युनिकेशन एक्टिविटीज एस्टेब्लिश होती हैं और गोल रिलेटेड बिहेवियर का तयन होता है यह एक रिलेशनशिप ऑफ कम्युनिकेशन फैक्टर्स टू प्रोजेक्ट गोल्स ये स्लाइड अगर आप अपने जहन में रखें किसी बड़े प्रोजेक्ट में तो आपको बड़ी हेल्प मिलेगी कि आपने पॉलिसीज बनानी है नेटवर्क स्टैब्लिश करने हैं कम्युनिकेशन एक्टिविटीज को डिफाइन करना है और आखिर में अल्टीमेट गोल क्या है कि प्रोजेक्ट के मकासद का हसूल सो लेडीज एंड जेंटलमैन कम्युनिकेशन इंड ऑर्गेनाइजेशन जब हम बात करते हैं तो इसमें एक बड़ी पूरी चीज है कि इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है प्रोजेक्ट के हवाले से दैट मस्ट फ्लो एट ए फास्टर एंड रैपिड स्पीड क्योंकि एक अंग्रेजी में कहावत है कि रेपिडनेस इन यू रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड सो रिजल्ट आर आर इज इक्वल टू इन रिस्पॉन्स उर्दू में किसी शायर ने कहा था कि खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक अगर आपने कम्युनिकेशन में डिले किया तो प्रोजेक्ट के ऊपर उस डिले की वजह से स्लो स्पीड की वजह से जो मनफी असरा मुरतब होते हैं या हो सकते हैं हो सकता है एंड ऑफ द डे प्रोजेक्ट को नाकामी से वो हमकनार करते हैं तो जो इस शायर ने आज से पचास या सौ साल पहले बात की थी इस बात को जेर में रखिएगा कि आप कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन को अपनी जेब तक संभाल के ना रखें बल्कि सेकंड थर्ड और फोर्थ ईयर जहां जहां प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं साथ साथ कन्वे कर करते रहे और उनको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देते रहे ताकि वो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग टाइमली करें और जो गैदरिंग जो इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हैं वो पास करने के लिए उसके लिए सोर्सेज आपके पास हैं आप एसोसिएट से लेते हैं सब से लेते हैं डिपार्टमेंट से लेते हैं और कम्युनिटी में जो लोग काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट के आसपास उनसे भी इंफॉर्मेशन लेके आगे पास करते हैं अगर आप टाइमली इंफॉर्मेशन पास नहीं करेंगे तो काफी आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा अब मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं न्यूयॉर्क टाइम्स की स्लाइड है ये बिजनेस सेक्शन की आप स्लाइड में पढ़ रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सप्रेस बाय बिजनेस अथॉरिटीज बड़े बड़े बिजनेस के जो गुरु हैं आप इस स्लाइड पर देख रहे हैं खौती नजरात उनका क्या कहना है कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से स्लाइड में आप देखें कि टॉप एग्जेक्टिव फ्रॉम फॉर्चून फाइव हंड्रेड कंपनीज अमरीका की जो सबसे बड़ी कंपनीज है पांच सौ जो वॉल्यूम में और फ्लो ऑफ मनी के हवाले से और इनकम के हवाले से उन्होंने उसके पांच सौ कंपनी को तयन किया जिसको फॉर्चून फाइव हंड्रेड कंपनी कहते हैं बड़ी बड़ी कंपनी है उसमें उनके जो बिग बॉस है चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर है दे रेट कम्युनिकेशन स्किल एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर बिजनेस लीडर अब ये बिजनेस लीडर और प्रोजेक्ट लीडर यहां पे हम मानी चीज है कोई आपस में ये कोई उनमें गैरियत नहीं है बल्कि चूली दामन का साथ है सो लेडीज लेडीज एंड जेंटलमैन लेट अस रिव्यू द सेकंड स्टेटमेंट व्हिच इज अगेन हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स सो एज यू आर व्यूइंग ऑन द स्लाइड देर मे बी नो सिंगल थिंग मोर इंपॉर्टेंट इन आवर एफर्ट्स टू अचीव मीनिंगफुल वर्क एंड फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स देन टू लर्न एंड प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन और ये बकायदा कोटेशन ली गई है एक बुक आर्ट ऑफ लीडरशिप से जिसके ऑथर आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं जरात हम कंक्लूड क्या करते हैं हमारा कंक्लूजन क्या है जो अगली साइड में आपको नजर आ रहा है तीसरी साइड में आई एम सरप्राइज हाउ सो मैनी पीपल स्ट्रगल विद कमिकेशन ये एक प्रोडक्शन मैनेजर जो एच कंपनी के है उनकी स्टेटमेंट है और वो इस बात पर ताजुब का इजहार कर रहे हैं कि प्रोडक्शन को लोग इतनी अहमियत क्यों देते हैं जो कि होनी चाहिए दरअसल वो इसकी अहमियत का एतराफ़ कर रहे हैं सो खुतरा अभी हम अगले चंद मिनट सर्व करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तनाजुर में कम्युनिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे जैसे कि आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन एक क्रिटिकल लिंक प्रोवाइड करती है पीपल के दरम्यान में अफराधी के दरमियान में जो प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रही है और जो आइडियाज उनको दिए गए हैं और जो इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है और मुख्तलि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल पर यह तीनों चीजें जो है बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन को जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कितना जरूर बात करते हैं तो ये एक फॉर्मल प्रोसेस है जो कि हेल्प करता है फैसला करने की सलाह बढ़ाता है मैनेजर की और अचीव करने में कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सक्सेस कैसे होगी प्रोजेक्ट की एंड ऑफ द डे कैसे सक्सेस आप उसकी हासिल करेंगे सो so, ये एक डिसीजन मेकिंग टूल है जो प्रोजेक्ट मैनेजर के हाथ में है अब मैं कुछ फिगर्स आपकी खदमत पेश करूंगा और आप सुन के हैरान हो जाएंगे फिगर्स अप्रोक्सीमेटली सत्तर से नब्बे फीसद जो प्रोजेक्ट मैनेजर का टाइम है वो सर्फ होता है कम्युनिकेशन में और उस कम्युनिकेशन के, के टाइम के अंदर मैं मजीद ब्रेकडाउन आपको देता हूं पहला जो है फोर्टी फाइव परसेंट अप्रोक्सीमेटली होता है लिसनिंग में वो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनता है उनसे इन्फॉर्मेशन लेता है बाकी तीस फीसद प्रोजेक्ट के अंदर टॉकिंग में खुद उसके बोलने पर या कम्युनिकेशन पे जाया होता है या सर्फ होता है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तकरीबन पचास फीसद अपने तो टाइम का सर्व करता है उसका हिस्सा जो वो मीटिंग्स में मीटिंग्स मीटिंग्स एंड मीटिंग्स और उसकी भी अपनी एक कीमत है उसकी अहमियत है उसको भी हम सर्फ नजर नहीं कर सकते सो so, अब इस बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद हम ये देखते हैं कि कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान क्या चीज है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर बुनियादी तौर पर यह डिफाइन करता है कि हाउ एंड वेन वेरियस स्टेक होल्डर रिसीव इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर और इसके लिए उनके पास तरीकाकार है मेमो ई मेल्स एंड नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन को भी हम देखते हैं और इसका एक बाकायदा फार्मूला है कि आपके पास कम्युनिकेशन चैनल स्टे, स्टेक होल्डर्स के दरमियान में कितने होने चाहिए इसका एक फार्मूला है एम इन टू एन माइनस वन बाई टू अगर आपके पास दस स्टेक होल्डर्स हैं प्रोजेक्ट के अंदर तो फोर्टी फाइव चैनल ऑफ कम्युनिकेशन आपके बनते हैं इस फॉर्मूले के फॉर्मो तो प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्रोसेस क्या हो गया फिर ये इस प्रोसेस को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें प्रोजेक्ट की कम्युनिकेशन प्लानिंग है जो कि एक प्रोसेस है सर्टेन करने का हासिल करने का इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नीड ऑफ प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर और प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर को हमने दूसरे लेक्चर में डिफाइन किया था लेडीज एंड जेंटलमैन व्हेन आई टॉक द कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स में तीन सवाल आते हैं कि कौन-कौन सी कम्युनिकेशन नीड की हैं पहली है कि हु नीड्स व्हाट इंफॉर्मेशन एंड व्हेन विल दे नीड इट क्या इंफॉर्मेशन की नवियत है और किस वक्त चाहिए एंड हाउ विल इट बी गिवन टू देम उसको देने का तरीका क्या ये सारी चीजें प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर आते जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तनाज में दूसरी अहम चीज है वो है प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन के आपके पास जो इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, आप इसकी का का है और प्रोसेस क्या है बुनियादी प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर है उस वक्त ये इन्फॉर्मेशन के पास होगी बाद में नहीं उसी वक्त वरना वो इकबाल ने कहा था ना ये नादान गिर गए सजदों में जब वक्त आया तो बाद वाली चीज हमें इन्फॉर्मेशन ही हमें टाइमली मैनर पे इन्फॉर्मेशन स्टेक होल्डर को चाहिए अगर इन्फॉर्मेशन डिले होती है तो वो एक गार्बेज है वो ट्रैश है वो वो सिंपली एक अंबार है कूड़े का जो कि एक काउंटर प्रोडक्टिव है तो आपको टाइमली इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिलेटेड थिंग्स की डिस्ट्रीब्यूशन के मैकेनिज्म को बड़ा फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा और लास्ट चीज जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तनाजुर में जो है मैं आपकी खिदमत पेश करना चाहूंगा वो है प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग के प्रोजेक्ट की जो डिलीवरी हो गई है उसकी एवेलेशन हुई है उसकी इंफॉर्मेशन को आगे तक कैसे फैलाया जाता है आगे कैसे दिया जाता है तो बुनियादी तौर पर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग ये एक प्रोसेस है ऑफ कलेक्टिंग एंड डिसमिनेशन परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन एंड दैट इंक्लूड कपल ऑफ थिंग्स द फर्स्ट थिंग इज स्टेटस रिपोर्ट अभी तक आपने कितना डिलीवर कर लिया देन प्रोग्रेस मेजरमेंट एंड थर्ड इज फोरकास्टिंग के पेशीन गोई अब आइंदा क्या होगा एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर जो है वो आखिरी चीज है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तनाजुर में जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर को मलुजे खाते रखना पड़ेगा और ये प्रोसेस है और ये प्रोसेस किस चीज पे है इट्स अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड जनरेटिंग एंड डिसमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन टू फॉर्मलाइज फेज और प्रोजेक्ट कंप्लीशन और उसमें कई इनपुट हो सकती हैं आपकी मसलन परफॉर्मेंस मेजरमेंट डॉक्यूमेंट से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं प्रोजेक्ट रिकॉर्ड से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी प्रोजेक्ट इज नॉट फ्री इट हैज सर्टन कॉस्ट उसकी कीमत है और वो कीमत किस चीज की है मैन पावर की जो कि इंफॉर्मेशन पास करती है उस टेक्नोलॉजी की उस टेक्नोलॉजी की मेंटेनेंस की एंड सो फोर्थ सारे का सारा इक्विपमेंट है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है तो मैं आपकी खिदमत में एक छोटा सा फिगर पेश करना चाहूंगा जो कि आपको स्लाइड पर नजर आ रहा है ये है कॉस्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस वन पेज बिजनेस लेटर दैट टुक टेन मिनट्स टू डिक्टेट कॉस्ट बिटवीन थर्टीन पॉइंट सिक्स जीरो डॉलर एंड ट्वेंटी पॉइंट फाइव टू डॉलर सो इस फिगर से जो कि आज तकरीबन कुछ सालों पहले ली गई थी इसमें आपको नजर आ रहा है कि कॉस्ट एक खत लिखने की कितनी एग्जॉर्बिटेंट है कितनी ज्यादा है एंड पुअर राइटिंग कॉस्ट इवन मोर सिंस इट वेस्ट टाइम वेस्ट एफर्ट एंड जेपरडाइज गुड विल यानी कि आपकी नेकनामी भी पोअर राइटिंग से या पुअर कम्युनिकेशन से खराब होती है और आपका शख्स जाती इमेज पे भी इसका मनफी असर जो है वो नजर आता है आपको मैं अभी कुछ टाइम लूंगा आपके और पेश करूंगा कि एक अफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन सिस्टम के क्या खवास हैं क्या खसाइल हैं क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं हम वन बाय वन को देखते हैं बुनियादी तौर पे जब भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर कोई आपने अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम पेश करना हो या तैयार करना हो या उसकी हफादत को बढ़ाना हो तो उसकी पहली शर्त है पहला उसका जो जज्व है वो है यू नीड टू हैव ओपन कम्युनिकेशन क्लाइमेट आप एक आजाद माहौल दें जिसमें फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन पे कथखन ना हो और सोचों पे नारवा पाबंदी ना हो ये तो बुनियादी शर्त है अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कम्युनिकेशन स्किल की बढ़ोतरी के लिए और क्लाइमेट की तशकील के लिए इस स्टेज पे आपको यह बात मनोज खातिर रखने पड़ेगी कि आप एथिकल कम्युनिकेशन पे बिलीव करें एथिकल कम्युनिकेशन का मतलब मैं ये भी लेता हूं कि किसी चीज को उसके सियाको सबाक से हटा के पेश ना किया जाए और हाफ टूक इंफॉर्मेशन ना दी जाए बल्कि फेरमेट और, और बड़े एथिकल मैनर में इंफॉर्मेशन को तमाम स्पेक्टिव में पेश किया जाए ताकि सुनने वाला और उसपे एग्जीक्यूट करने वाला फायदा उठा सकेडरस्टेंडिकल कम्युनिकेशन दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के बाद पाकिस्तान जैसे मुल्कों में भी इंटरकल्चरल जो है एक फिजा प्रोजेक्ट में बड़ी कॉमन हो गई है आपको पाकिस्तान के मुख्त कौमियतों के लोग मुख्तिक प्रोजेक्ट में इकट्ठे काम करते मिलते हैं और अक्सर वेशर जुबान में फर्क की वजह से उनको आ, और कल्चरों में कल्चर में और तहजीबों में डिफरेंस की वजह से उनको किसी मानी को समझने में दुश्वारी होती है या इंटरप्रटेशन या तशरी या तोजीह किसी और हवाले से होती है जिसकी वजह से वो मानी डिफरेंट समझे जाते हैं और उसकी इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट होती है और प्रोजेक्ट में लॉसिस होते हैं तो आपको इंटरकल्चरल जो बैकग्राउंड को समझने की भी जरूरत है जब आप कम्युनिकेट करते हैं किसी भी मैसेज में वेगनेस ना हो कि एक कल्चर का शख्स उसकी तशरी और करे और दूसरी तहजीब या दूसरे सूबे का या दूसरी कौमियत का शख्स या दूसरी नस्ली बैकग्राउंड से शख्स उसको किसी और रंग में देखे तो तनाजुर कॉमन हो प्लेटफॉर्म कॉमन हो बैकग्राउंड कॉमन हो और कल्चरल कंपेटेबिलिटी विजिबल हो कम्युनिकेशन में तो उसमें फादियत बढ़ती है और अगर आप कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं जिसमें आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ई है इंटरनेट है इंटरनेट है मोबाइल फोन का यूज है एस एम एस का यूज है एंड सो फोर्थ सेटेलाइट टाइम सेटेलाइट फोन का यूज बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है और सर्टन केसेज में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है प्रोजेक्ट की मीटिंग्स के लिए सबको इकट्ठा नहीं आना पड़ता लोग मुख्त जगहों में बैठे होते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना जो है मुतमा नजर कॉमनली डिबेट करते हैं डिस्कस करते हैं और जेर बहस लाते हैं उसके अलावा यू नीड टू फॉलो द ऑडियंस सेंटर्ड अप्रोच एंड यू नीड टू क्रिएट एंड प्रोसेस मैसेजेस इन ए वेरी एफिशेंट मैनर ये बुनियादी खसायल हैं कि जो कि आपको जेहन में रखने पड़ेंगे जब आप इन्फॉर्मेशन पास करते हैं तो इन्फॉर्मेशन अक्सर बेश फिल्टर होती है वो उसमें डिस्ट्रोशन आते हैं उसमें कमी पेशी होती है कतो बरीद होती है और हर सुनने वाला अपनी सोच फहम नजरिए और एजुकेशन एक्सपीरियंस और एक्सपोजर के हवाले से उसको आगे कन्वे करता है अगर नीचे लेवल ले ले पर जहाँ कम्युनिकेशन दे रहे हैं वहां पर एजुकेशन कमी है एक्सपोजियर तजर्बा ज्यादा नहीं है तो सुनने वाला अपने जहन की वसत के हवाले से उसकी तशरी करके आगे देगा तो इस स्टेज पे कम्युनिकेशन डिस्ट्रोक्शन होता है और कम्युनिकेशन लॉस होता है अगर आप स्क्रीन पे मेरे साथ आए तो आप देखते हैं परसेंटेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग लॉस इन कम्युनिकेशन टू द ओरिजिनल मैसेज आपने एक मैसेज भिजवाया जो सौ फीसद आपके जहन में था जब दूसरी स्टेज पे पहुंचा टॉप मैनेजमेंट से वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे तो सिक्सटी थ्री वहां पहुंचा और बाकी लॉस हो चुका था अंडरस्टैंडिंग में लाइकवाइज थर्ड स्टेज पे 56 सिक्स परसेंट पहुंचा इन्फॉर्मेशन का और बाकी जो था वो लूज हो गया था जब आपने जीएम स्टेज पे भेजा उसको डाटे को और फोर्थ स्टेज पे जो कि आप देख रहे हैं कि डिविजन मैनेजर की अंडरस्टैंडिंग है वो एवरेज है फोर्टी परसेंट इन्फॉर्मेशन को समझा सिक्सटी परसेंट इन्फॉर्मेशन पहले दो स्टेज पे लूज हो चुकी है जो टॉप वास ने कहा था और फिफ्थ और सिक्स स्टेज पे आप देख रहे हैं कि थर्टी और ट्वेंटी परसेंट इंफॉर्मेशन पहुंचती है और अगर आप सेवंथ और एट्थ फेज पर जाएं टी पे जाएं या मरले पर जाएं तो हो सकता है इन्फॉर्मेशन जीरो हो या रिवर्स हो जाए यानी मानों में चेंज आ जा जाए तो यह बड़ा जरूरी है कि आप मानों की तशरी और तवजी के लिए चैनल को मिनिमाइज करें ताकि इन्फॉर्मेशन लॉस ना हो अगली स्लाइड भी आपको खाती नजरात यही बता रही है इन्फॉर्मेशन लॉस इन डॉउ कम्युनिकेशन ये किसी और की स्टडी है किसी और ग्रुप की वो सौ छप्पन और तीस फीसद के हवाले से इन्फॉर्मेशन की लॉस होने के या पहुंचने के इम्कान को वाज और रोशन कर रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन वी हैव जस्ट डिस्कस द लॉसिस विच यू एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मे कम अक्रॉस

वरना ये कोई हुक्म हाकम नहीं है कि आपने कन्वे कर दिया और वो वो आगे समझे या नहीं समझा उसकी जिम्मेदारी अगर वो नहीं समझ रहा तो फिर भी आपकी जिम्मेदारी है ये बड़ी लतीफ बात है जो मैं आपकी खदमत पेश कर रहा हूँ कि अगर आपका सब ऑर्डिनेट आपके मैसेज को नहीं समझ रहा प्रोसेस की कमजोरी की वजह से तो स्टिल यूर रिस्पॉन्सिबलि प्रोजेक्टर है तो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को वाज कर रही है इस स्लाइड पर दसीवी भी आप देख रहे हैं इस पे कम्युनिकेशन प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे स्टिमुलस है जो कि तहरीक देता है आपके दिमाग को एक आइडिया देता है और आ यू अटर फ्यू वर्ड्स वो फ्यू वर्ड्स अटल होने से पहले फिल्टर होते हैं आपके दिमाग में से दिमाग उसको मौजूद शक्ल दे के बाहर निकालता है फिल्टर करता है और मैसेज का अखराज होता है और मीडियम के जरिए जो मीडियम जुबान हो सकती है टेलीफोन की तार हो सकती है मोबाइल का नेटवर्क हो सकता है कंप्यूटर इंटरनेट के जो है कनेक्शन हो सकता है वो मीडियम कुछ भी हो सकता है उसके जरिए फन डेस्टिनेशन पे जाती है और वो शख्स जो इस इंफॉर्मेशन को वसूल करता है, है वो अपने हवाले से इसकी तशरी और तोज़ी करके फीडबैक देता है और उसके बाद फिर आप उसमें दोबारा उसमें कतो ब्रीद करते हैं उसमें चेंजेस करते हैं ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है इस प्रोसेस तो अगली स्लाइड आप देखते हैं इसमें एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन का जिक्र है मैसेज आ रहा है चैनल के जरिए रेसिपियंट पे और उसको कम्युनिकेटर भेज रहा है चैनल के जरिए और उसको एनकोड कर रहा है रेसिपियंट और अपनी परसेप्शन के हवाले से अपनी जहन सोच फिक्र तालीम तजर्बे और शोर के हवाले से आगही की मौजूदगी में उसकी इंटरप्रटेशन करता है उसकी तशरी करता है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बताता है समझ आ गए कि नहीं आई और उस मैसेज को एनकोड भी वही करता है सो दिस इज द थर्ड स्लाइड दैट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस यू आर व्यूइंग ऑन द टीवी

मैसेज को समझने में या कम्युनिकेशन करने में तो सोशल कॉन्टेक्स्ट बुनियादी तौर पर सेटिंग है इन विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन सेटिंग इंपैक्ट ऑन अदर कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस एज वेल इसमें आपको सेंडर और मैसेज की इनकोडिंग भी नजर आ रही है सेंडर इनिशिएट कॉमन प्रोसेस बाय इनकोडिंग हिज मीनिंग एंड सेंडिंग मैसेज थ्रू चैनल सो इनकोडिंग क्या चीज है ये प्रोसेस है जो ट्रांसलेट करता है सेंडर्स के आइडिया को Into a systematic set of symbols or language expressing communicator's purpose, its function is also to provide form in which ideas and purpose can be expressed as message. Vocabulary, language, and knowledge play important role in sender's ability to encode. Next is diagram. you the see that message and medium are and that is result of encoding message. आपके पास जब आपने इनकोड किया तो उसका रिजल्ट क्या है वो है मैसेज जो कि एक टेंजिबल फॉर्म ऑफ कोडेड सिंबल की सूरत में आपको मिल रहा है और मीडियम क्या चीज है मीडियम इज कैरियर ऑफ मैसेज और मीन बाय विच सेंट आपकी केबल हो सकती है आपका वायरलेस हो सकता है इंटरनेट हो सकता है और इसी डायग्राम में देख रहे हैं रिसीवर और मैसेज डी की बात हो रही है तो रिसीविंग पर्सन और ग्रुप मस्ट मेक सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ दी हेल्प ऑफ डी कोडिंग यू सिंपली ट्रांसलेट रिसीव्ड मैसेज इन टू इंटरप्रेटेड मीनिंग डी कोडिंग में आप उसको कन्वर्ट करते हैं उस मैसेज को तशरी करते हैं अपने जहन के हवाले से लेडीज एंड जेंटलमैन द लास्ट लाइट यू हैव ऑल्सो सीन वन थिंग दैट इज कॉल्ड नॉइज नॉइज का बाकायदा रोल है कम्युनिकेशन को डिस्टॉर्ट करने में या स्पॉल करने के मैसेज के लिए इसमें क्या चीजें शामिल हैं इट मे इंटेल इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस और डिस्ट्रोशन फ्रॉम इंटेंडेड परपज जो आपका मतलूबा मकसद था मैसेज का उसको स्पॉयल करने की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ बेष्टर नॉइज पे आती है इट कैन कॉज डिस्ट्रॉक्शन इन सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज एज वेल सो so नॉइज एक फिजिकल कंडीशन है दैट कैन मेक कम्युनिकेशन मोर डिफिकल्ट इसकी एक इमोशनल इंटरप्रिटेशन भी है कि अगर सुनने वाला शख्स जहनी तौर पर या जज्बाती तौर पर मतवाजन कैफियत में नहीं है तो वो अंदरूनी शोर की वजह से जो उस जज्बाती हलचल की वजह से उसके जहन में है अपने मैसेज को डिफरेंटली इंटरप्रेट करेगा तो ये इमोशनल स्टेट जो है ये भी नॉइज क्रिएट करती है अंदरूनी हवाले से रेसिपिन के अंदर एंड द लास्ट थिंग इज फीडबैक पर्पज ऑफ फीडबैक इज टू अवॉइड कम्युनिकेशन फेलियर एंड थ्रू फीडबैक कम्युनिकेशन बिकम्स डायनामिक एंड टू वे प्रोसेस जिसमें वन वे इवेंट नहीं है एक हादसा नहीं है वाकया नहीं है बल्कि एक डुअल पर्पज प्रोसेस है फीडबैक का मैं कुछ टाइम लूंगा आपको ये बताने के लिए कि अफेक्टिव कम्युनिकेशन की बुनियादी क्या आ, क्या है उसमें प्लस पॉइंट या उसका क्या एक उसमें स्ट्रेंथ है

इस स्टेज पे मैं इस काबल हूं कि मैं अब आपको बता सकूं कि गुड टॉकिंग के क्या बेसिक एलिमेंट्स हैं पहला टॉकिंग का गुड टॉकिंग का एलिमेंट है आपके पास वो है वॉइस क्वालिटी आवाज की बेहतरी देन टॉकिंग स्टाइल कितने डिसेंटली और क्रिटिसी के साथ आप बात कर रहे हैं और अल्फाजों की तरतीब और वोकेबलरी ये सब आपकी जुबान में मिठास और शरीनी और जायका और लताफत पैदा करते हैं और सुनने वाला काम करने पर तैयार हो जाता है फारसी में कहावत है कि जुबान शीरी मुल्क कि आप मीठी जुबान से आप पूरे का पूरा मुल्क फतेह कर लेते हैं और डेल करने की के जो सेंटर ने न्यूयॉर्क में रिसर्च की उन्होंने मैसेज दिया कि मीठे बोल में जादू है तो ये जादू आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर बड़ा इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं आपको मैं एक स्लाइड दिखा रहा हूं जो कहती है और स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टार्ट विद लिसनिंग एक मिथ है पाकिस्तान में कि कम्युनिकेशन का ताल्लुक सिंपली गुफ्तु -गु से है आपके अल्फाजों की जादूगिरी से है गलत साबित किया और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का हिस्सा है बेस्ट आंसर so ये स्टेटमेंट है दलाई लामा की द फेमस बुद्ध स्कॉलर एंड दलाई लामा जो आजकल uh, हयात है उनकी स्टेटमेंट है कि रिमेंबर दैट साम टाइम्स द बेस्ट आंसर इसी मौके पे लामा इकबाल का मुझे शेर भी याद आ गया कि खमोशी गुफ्तगु है बेजुबानी है जबा मेरी अब आप दलाई ला, 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 लामा के स्टेटमेंट को, को रिलेट करें शारश के इंकलाबी ख्याल से तो आप कम्युनिकेशन को शायद बेटर अंडरस्टैंड कर पाए तो लिसनिंग बुनियादी तौर पर की टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन का डिफिकल्ट पार्ट है रश्ड नेवर लिस्निंग मैनेजर्स विल सेल्डम गेट ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो यू नीड टू गिव टाइम एम्पथी एंड कंसेंट्रेशन ऑन कम्युनिकेटर मैसेज दैट इज द प्रिक्विजिट ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग एंड विदाउट गुड अंडरस्टैंडिंग यू कैन नॉट अफोर्ड टू विन so importance of listening is uh, ranking high in the business and first verbal skill again is to learn the people basic point of view and listen their basic requirements and that requires clear thinking patience motivation and hard work so truly listening to someone is one of the greatest gift we can give to each other इससे अच्छा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता आप इस बात को रजिस्टर कर ले इसको पल्ले बांध एंड लिसनिंग इज होली वर्क स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट टेक्स करेज ये स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे एंड लिसनिंग अगेन लुक्स इजी बट इट इज इज नॉट दैट सिंपल एवरी हेड अ वर्ल्ड तो ये मैंने स्टेटमेंट पेश की क्यूबा की एक कहावत से एंड साइलेंस इज द ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर द आर्ट ऑफ लिसनिंग एंड अगली स्टेटमेंट जो मैं लिसनिंग के हवाले से उसकी हिफाजत को वाजी करने के लिए आपको सुना रहा हूं वेन पीपल टॉक लिसन कंप्लीटली मोस्ट पीपल नेवर लिसन जो सुनतेमयाब नहीं होते द द द प्रॉब्लम विद कम्युनिकेशन इज दैट इट हैज बीन लुयन है जॉर्ज ए, ए, ए स्टेटमेंट है और जैसे मैंने कहा कि लिसनिंग एक अंडरस्टैंडिंग की बुनियादी रिक्वायरमेंट है तो मैनेजमेंट और मैनेजर मस्ट अवॉइड इंटरक्टिंग सब एंड वाइल देर टॉकिंग एंड पुटिंग उनको दिफाई के अपने वर्कर को सो नेचर ऑफ लिस्निंग क्या खबर आट इज एंड देर टेन कमांडमेंट ऑफ लिस्निंग जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं और वो देख रहे हैं फर्स्ट कमांडमेंट इज टॉकिंग आप खुद बात करना बंद करते हैं एट जो अपना नुकता नजर पेश करना चाह रहा है उसको बड़ा अच्छा माहौल दें और उसको ये एहसास दें कि आप सुनने के लिए तैयार हैं और जितनी रुकावटें हैं वो हब सब बंद करते हैं मोबाइल बंद करते हैं टेलीफोन उठा के रखते हैं और दरवाजे को उसकी तसली के लिए बंद करना ताकि उसको तन मिले और वो अपना नुकते नगा आपसे खुल के बात कर सके और उसके, उसके साथ साथ एम्पेथाइज करे उससे हमदर्दी का इजहार करें और पेशेंट रहे उसकी बात को सुनते रहे तहमुल बुनियादी शर्त है अच्छी लिस्टिंग की होल्ड योर टेम्पर अक्सर बोलने वाला आप पे हो सकता है जाम त्राशी करे तो अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें गो इजी ऑन आर्गूमेंट एंड क्रिटिसिज्म एंड आज क्वेश्चन का एक सवाल करते रहे ताकि तसली तो शफी हो गया आप दिलचस्पी ले रहे हैं उसकी बातों में टेंथ कमांडेंट एंड सेम खतानी अब हम कुछ टाइम लेते हैं और देखते हैं कि कम्युनिकेशन की कौन कौन सी टाइप्स है कैटेगरीज है हमारे पास टाइप नजर आती है औरल कम्युनिकेशन रिटन कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्डल कम्युनिकेशन औरल है आप जुबानी कहते हैं रिटर्न है आप लिख के उसको कन्वे करते हैं लेटर में जरिए पॉलिसी मेनुअल के जरिए रिपोर्ट के जरिए फॉर्म के जरिए और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है बॉडी लैंग्वेज आपका डिस्टेंस टाइम पैरा लैंग्वेज कलर एंड लेआउट एंड डिजाइन ये सब बोलती हैं कि आप कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं आपके जेस्टर्स क्या हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है तो नॉन वर्बल लैंग्वेज पे आपको बड़ा जोर देना चाहिए जिसमें जेस्टर्स भी आ जाते हैं हिडन मैसेज आ जाता है जो इन्फ्लुएंस करता है सो so, बड़ा फर्क है रिटर्न कम्युनिकेशन में और आपके पास ऑरल कम्युनिकेशन में ऑरल कम्युनिकेशन में आप क्रिएटिव एफर्ट ज्यादा नहीं करते रिटन में ज्यादा करते हैं राइटिंग इज थिंकिंग ऑन पेपर एनी वन क्लियरली शुड बी एबल टू राइट क्लियरली अबाउट एनी सब्जेक्ट एट ऑल ये स्टेटमेंट है एक बड़े मजेदार स्कॉलर की दुनिया में एंड सेकेंड टिप जो मैं दूंगा आपको इंप्रूविंग रिटर्न कम्युनिकेशन में मैनी पीपल फॉल इन टू हैबिट ऑफ यूजिंग टेक्निकल जॉर्गन दैट कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय एक्सपर्ट इन द सेम फील्ड इतने तकनीकी जो है लुगत वाले अल्फाज इस्तेमाल ना करें और फनीत इस इस्तेमाल ना करें कि आम बंदा परेशान हो जाए और डर जाए अपनी अपनी कम्युनिकेशन के मैसेज को सिंपल रखें टू द पॉइंट ब्रीफ रेलिवेंट जामे लेकिन मुख्तर थोड़े में बहुत ज्यादा बंद करें दरिया को खूजे में फन करने के फन से आश हो मैं आखिरी साइड आपको दिखा रहा हूं कम्युनिकेशन इंटरनल कम्युनिकेशन इदारे के अंदर होती है और इंटरनल बाहर होती है खातन और जरा यह हमारी गुफ्तु थी जो आज हमने कम्युनिकेशन के तनाज में सब्जेक्ट है इसके लिए बहुत वक्त चाहिए शायद मैं जस्टिस ना कर पाऊं लेकिन मैं आपको मटीरियल दे रहा हूं आप इसको पढ़े और कम्युनिकेशन केमु, केमु, की अहमियत को समझे यह सॉफ्ट इशूज में है और दुनिया में बड़े बड़ी बड़ी बरजिदा हस्तियां बड़े बड़े अम्बिया अल्लाह तला से दुआ करते पाए गए हैं कि अल्लाह तमारी कम्युनिकेशन स्किल को हमारी बात करने की सलाहियत को और फन गवाई गवाही को वसत दे और उसमें हिम्मत दे और तोनाई दे मैं आप सब के लिए भी यही दुआ करूँगा और आपसे इजाज़त लेने से पहले मैं दरख्वा करूँगा कि अपने दोस्तों का बिलखसूस वालदेन का ख्याल रखिएगा और अपने ज़ुबान शरीर से मोहब्बत के और अमन के पैगाम को फैलाते रहें थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू